नमस्कार, स्टेट बस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिमा सा। आइए बढ़ते हैं आज की तमाम खबरों की ओर। अपने समाज सुधार अभियान के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 27 दिसंबर को सासाराम का दौरा करेंगे। इधर उनके आगमन के 48 घंटा पहले खाद सहित किसानों की अन्य समस्याओं को लेकर एनसीपी द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। आज शनिवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के रोहतास जिला अध्यक्ष आशुतोष सिंह के नेतृत्व में किसानों के विभिन्न समस्याओं को लेकर पोस्ट ऑफिस चौक सासाराम में मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया गया। इस मौके पर आशुतोष सिंह ने कहा कि धान के कटोरा कहे जाने वाला रोहतास जिला में अभी रबी फसल में खाद छिड़काव के लिए किसान बाजारों में दौड़ लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें खाद उपलब्ध नहीं हो रहा है। कई जगहों पर निर्धारित मूल्य से 100 से 200 से अधिक लेकर खाद उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एक तरफ सीएम नीतीश कुमार समाज सुधार अभियान को लेकर विभिन्न जिलों में कार्यक्रम कर रहे हैं, वहीं भ्रष्टाचार में लिप्त बिहार के पदाधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं करना यह साबित करता है कि यह सरकार जनता विरोधी है। आशुतोष सिंह ने कहा है कि खाद की कालाबाजारी से रोहतास जिला के किसान परेशान हैं, लेकिन रोहतास जिला के प्रशासन 27 दिसंबर 2021 को सीएम के कार्यक्रम को लेकर जनता की समस्या पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। गौरतलब हो कि समाज सुधार अभियान के तहत सीएम नीतीश कुमार का फजलगंज सासाराम स्टेडियम 27 दिसंबर 2021 को कार्यक्रम है, जिसको लेकर रोहतास जिला प्रशासन पूरी तत्परता से लगी हुई है। कालाबाजारी के खिलाफ में और भ्रष्टाचार के खिलाफ में खाद कालाबाजारी पहले दायर किया गया, जो 1200 का खाद था वो 2200 में 2000 में बेचा गया। अब यूरिया खाद कालाबाजारी किया जा रहा है रोहतास जिला में, उसके खिलाफ में माननीय मुख्यमंत्री जी का पुतला दहन का कार्यक्रम हम लोग रखे हैं। और जो भ्रष्टाचार है, हर ऑफिस में बिना पैसा दिए हुए बिना घूस चढ़ाए हुए एक आदमी का भी काम नहीं होता है और 27 चरम सीमा पर बढ़ गया है। 27 तारीख को मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है सासाराम में, भैया पुतला फूंक रहे हैं, तो 27 तारीख को है, यही हमको दिखाना ना है भाई कि हाँ यहाँ दिक्कत है, किसान को दिक्कत है, मुख्यमंत्री जी को जानकारी होना चाहिए। समाज सुधार अभियान चला रहे हैं जी, समाज सुधार अभियान है मुख्यमंत्री का। अरे पहले अपना ऑफिस तो सुधारे, अपना बिहार सरकार का कार्यालय सुधारे, जो दारू बंद किए हैं उसको तो बंद करवाए, हर जगह दारू बिक रहा है ना, दारू बंदी पहले बढ़िया से लागू करवाए, और जो अफसरों में जो भ्रष्टाचार है, जो घुसखोरी है, जो खाद कालाबाजारी है उसको रोक लगाए, तब समाज सुधरा हुआ है हम लोग का। आप क्या कीजिएगा जी, हम लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन का कार्यक्रम करेंगे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए स्ट्रीट बस के यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।